कोरोना वायरस का बढ़ता खतरा अब महाराष्ट्र के शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने लगा है। अमरावती जिले के कई इलाके इस समय कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जिसमें सोनेगांव हो, हीरपुर हो, ये क्षेत्र प्रमुख हैं। जहां कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है, वहीं ग्रामीण अस्पतालों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यह बीमारी बड़ी तेजी से फैलती चली जा रही है। कोरोना वायरस अब शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर वहां का जनजीवन तबाह करने पर पूरी तरीके से आमादा हो चुका है। अमरावती जिले में सिर्फ सोनेगांव से ही 54 कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वहीं सोनेगांव से सटे हीरपुर में गांव का हाल पूरी तरीके से बेहाल है। यहां कोरोना के 87 मरीज पाए गए, जिसके बाद सोनेगांव और हीरपुर के सीमा क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फिलहाल यहां संचार बंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। वहीं ग्राम प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है, रक्तदान कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि समय रहते खून की किल्लत ना हो। लेकिन इन सबके बावजूद कोरोना का खतरा बेकाबू होता चला जा रहा है। कई दिवसात संपूर्ण जिल्ह्यात कोरोनाचे प्रमाण फार प्रमाणात वाढलेले आहे। त्यात आपण दररोज पूर्ण तालुक्यामध्ये 200-250 ही टेस्टिंग करून घेतो आहे। त्यात आपण प्रत्येक गावात गावागावात जाऊन टेस्टिंगचे प्रमाण वाढवण्यासाठी प्रत्येक गावागावात जाऊन टेस्टिंग करतो आहे। यात सोनेगाव, खडा आणि हिरपूर ते निंबोली PSC अंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये टेस्टिंग केली असता